घोड़ा गाड़ी और किस तरह से इसमें न्यूटन्स लॉज लग रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारी गाड़ी है, ये इसका पहिया है, व्हील है, ये रोड है, यहाँ पर ये एक तरह से घोड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं घोड़े के द्वारा लगाए गए फोर्स को दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए ये घोड़ा जो है वो फोर्स लगा रहा है एफ, और ये घोड़ा गाड़ी आपस में जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। एफ इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज द वेट ऑफ द, और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये देखिए ये व्हील है अकॉर्डिंग, और एक और बात देखिए, इसकी जो वेट है वो डब्ल्यू डैश है जो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन आर डैश। यहां पर ये जो घोड़ा है हॉर्स है ये इस गाड़ी को खींच रहा है, जिससे इसकी रस्सी में टेंशन आ गया, टी टी इज द टेंशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ये भी इसको खींच रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन एंड रिएक्शन टी। इस घोड़े का जो वजन है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है बेटे डब्लू, और ये देखिए अब ये जो घोड़ा है होश है ये अपने फोर्स को भी बैलेंस कर रहा है। इस एफ को हम टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर रिजोल्व कर दें, ये देखिए तो एक जो एंगल के साथ कंपोनेंट आता है उसे हम कहते हैं एफ कोस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट यहाँ आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। और एक और बात देखिए, जब घोड़ा आगे चलेगा तो टायर और रोड के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये पीछे की तरफ एक्ट करता है। तो पहले बेटे ये डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम के बारे में कुछ लिख देंगे। सवाल यह है कि एक्सप्लेन दी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो हम लिखेंगे कंसीडर दी हॉर्स कार्ट सिस्टम लेट, फिर लिखेंगे कि लेट डब्ल्यू डैश इज द वेट ऑफ द कार्ट एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इज द वेट ऑफ कार्ट एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, आर डैश इज द इट्स नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एप्लीकेशन कर रहे हैं, एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये जो रोड है ये गाड़ी पर जो फोर्स लगा रहा है रिएक्शन जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप एक बात कह सकते हैं कि डब्ल्यू डैश इजिकल टू आर डैश, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक और बात देखिए बेटे, टी क्या है, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टी डैश इज द स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दे बैलेंस इज ईच अदर, यानी कि टी इज इक्वल टू टी डैश। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं लेट एफ इज द फोर्स, जो फोर्स एफ लगाया है मैं यहां लिख देता हूं कि लेट एफ इज द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स एट एन एंगल थीटा, अप्लाइड बाय हॉर्स एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
फिर हम क्या कर रहे हैं, रिजोल, रिजोल एफ इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हम इनको रिजोल कर देते हैं। एक हो जाएगा एफ कोस थीटा जो आप देख रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में है एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो है एफ साइन थीटा, इट एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। और यहां पर ये जो एफ साइन थीटा है इट बैलेंस द वेट ऑफ द हॉर्स, आप ये भी यहां लिख सकते हैं कि जो डब्ल्यू डैश है वो तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, बट वेट ऑफ द हॉर्स इज बैलेंस्ड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये देखिए बेटे, अब आप बाकी सारी चीजें देख रहे हैं कि भाई इसने इसको बैलेंस कर दिया तो इसके मोशन में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक ऐसे ही वेट ऑफ द हॉर्स जो है ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन एफ साइन थीटा से बैलेंस हो गया, टी ने टी डैश को बैलेंस कर दिया, इसका भी इसके मोशन में कोई रोल नहीं है। अब बच कौन गया, एफ कोस थीटा, ये बच गया बेटे। तो ये जो एफ कोस थीटा है ये इस हॉर्स कार्ट सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। लेकिन एक और चीज है, ये देखिए एफ डैश क्या है, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर या यू कहिए बिटवीन दी व्हील्स ऑफ दिस कार्ट एंड दी रोड विच एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये बच गया है जो इसको आगे की तरफ मूव करवा रहा है। तो इस फोर्स का कुछ हिस्सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग जाएगा और जो बाकी बच गया वो इस पूरे सिस्टम को हॉर्स कार्ट सिस्टम को आगे की तरफ मूव करवाएगा। तो नेट फोर्स जो बच गया है इसके ऊपर सभी चीजों को बैलेंस करने के बाद वो कितना बच गया, नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्ट ऑन हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट सिस्टम, बताइए कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा, ये देखिए आप देख रहे हैं कि एफ कोस थीटा तो है ही लेकिन जो हिस्सा फ्रिक्शन के रूप में बैलेंस हो रहा है उसको घटा दीजिए, यानी कि एफ डैश। फ्रिक्शन को हम थोड़े नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है उसको डिटेल में। ये हो गया, ये फोर्स है जो इस पूरे हॉर्स कार्ट सिस्टम को मूव करवा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इस कितने एक्सेलरेशन से ये इसको लेके जा रहा है पूरा सिस्टम, ए एक्सेलरेशन से। अगर मैं एक बात कहूं यहां पर कि इफ एम एंड एम आर दी मासेज ऑफ हॉर्स एंड कार्ट, जैसे कार्ट का मास इतना है रेस्पेक्टिवली, ये देखिए तो टोटल मास इस पूरे सिस्टम का कितना हो गया, एम प्लस एम, एक्सेलरेशन कितना है ए, तो न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दीजिए यहां पे। नाउ यूजिंग यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब ये देखिए लॉ ऑफ मोशन, ये देखिए बेटे एफ किसके बराबर हो जाएगा, जो नेट फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, मैं बात उसकी कर रहा हूं, और वो ये है जो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक तरह से इस सिस्टम पर एक्ट कर रहा है वो है एफ कोस थीटा माइनस एफ डैश एंड इट इज इक्वल टू मास, मास टोटल कितना हो गया एम प्लस एम, और कितना एक्सेलरेशन पैदा किया इसने इस एक्शन फोर्स ने, इतना, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ मुंह कर रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ बराबर एम में, न्यूटन सेकंड लॉ यही तो कहता है। तो यहां से अब आप एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं बेटे, ये देखिए अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, व्हाट इज ए हियर, ए इज इक्वल टू, ये देखिए मैं कुछ ज्यादा नहीं, एफ कोस थीटा माइनस एफ डैश डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये जो मास है ये इसके नीचे आ जाएगा एम प्लस एम,
दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस हॉर्स कार्ट सिस्टम. और ये हमने किससे निकाला बेटे? बाई यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. यही लिए तो हम इसको एप्लीकेशंस कह रहे हैं. और ये बहुत, ये सिर्फ इसी सिस्टम पर नहीं, ये हम डेली लाइफ में बाकी की चीज़ों पर भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इस पर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस दी हॉर्स कार्ट सिस्टम यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो इस तरह से करेंगे. अटैच्ड विद स्ट्रिंग पासिस ओवर पुली. इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हमें इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए. तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे सपोज कीजिए ये एक पुली है और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग है जिसके एक साइड में हमारी एक बॉडी अटैच है. ये दो पहले एक सिंपल केस कर लेते हैं, फिर आने वाले वीडियोस में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. लेकिन आपको तब तक ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर होने चाहिए. ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर. ये देखिए एक रस्सी है ये दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है और ये एक बॉडी बी है. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. इस बॉडी का जो मास है वो कैपिटल एम ले लेते हैं, एम. और तो वजन किधर एक्ट करेगा इसका? नीचे की तरफ. और ये स्ट्रिंग है, इसमें जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग. ये बॉडी भी है और इसका वजन जो है वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि इसका मास एम जी है, मास एम और जी वेट हो गया. टेंशन इन द स्ट्रिंग विल ऑल्सो बी हियर टी. ये हमारे पास बेटे एक पुली है, उसके ऊपर से ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. तो चलिए एक बार लिख दीजिए क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. ये हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और क्या है? कंसीडर द टू बॉडीज ऑफ ए एंड बी विच आर अटैच्ड विद द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब जिसको बढ़ा नहीं सकते, विच पासिस ओवर दिस फ्रिक्शनलेस पुली. घर्षण नहीं है, उसको हम जीरो मान के चले हैं. एज सोन, फिर आप यहां लिख देंगे कि लेट एम एंड एम आर द मासिस ऑफ बॉडी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. हम ये बात भी मान लेते हैं कि जो M है, M इज ग्रेटर देन M, यानी इस बॉडी का मास इस बॉडी के मास से ज्यादा है. T क्या है यहां पर? T इज द टेंशन इन स्ट्रिंग. रस्सी में जो खिंचाव है, टेंशन है, वो है. और क्या बात हम यहां लिख रहे हैं? अब यहां पर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे क्योंकि इस बॉडी का मास ज्यादा है तो यह बॉडी नीचे की तरफ मुख करेगी. इसमें जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो नीचे की तरफ है, तो जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा और ये जो बॉडी बी है ये ऊपर की तरफ जाएगी. अब दोनों बॉडीज पर हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे. तो चलिए देखते हैं यहां पर. अब हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले मैं ले रहा हूं फोर बॉडी ए. ए पर अप्लाई कीजिए. पहले तो मुझे ये बताइए बेटे, क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, इसका वजन ज्यादा है, तो एम जी इस टी से ज्यादा हुआ तो नेट फोर्स इस पर कितना एक्ट हुआ? नेट फोर्स एक्ट ऑन दिस बॉडी ए, और वो हो गया हमारे पास
एम जी माइनस टी, ये ज्यादा है ये कम है तो ये नीचे जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो नेट फोर्स होता है वो किस पर के बराबर होता है, एफ बराबर एम ए। एम कितना है ये देखिए, ए एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है क्योंकि ए एक्सेलरेशन। आप पूरे सिस्टम को देखें ही ना, आप सिर्फ इसको देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आपको बताएंगे जब हम क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ये एक बॉडी है एम जी माइनस टी, नेट फोर्स हो गया, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, ये हो गया। अब यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम फोर बॉडी बी पर लगा देते हैं, फोर बॉडी बी, ये देखिए बेटे। अब ये बॉडी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा है, तो ये टी ज़्यादा हुआ ना यहाँ, तो नेट फोर्स इस बॉडी पर, आप इस बात को भूल जाएं, सिर्फ ये याद बताइए इस बॉडी पर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहा है, तो वो हो जाएगा टी माइनस एम जी एंड इट इज इक्वल टू एम ए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दीजिए, एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, करेंगे तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा एम माइनस एम इंटू जी, ये देखिए क्योंकि एम जी माइनस एम जी करेंगे तो कॉमन लेके जी बाहर हो गया, और यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं एम प्लस एम इंटू ए। और यहाँ से हम एक्सेलरेशन कितना पैदा होता है वही तो हमारा एम होता है, उद्देश्य इस चीज में, तो वो निकाल सकते हैं। तो दिस इक्वेशन गिव्स अस दैट ए इज इक्वल टू एम माइनस एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इंटू जी। दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ऑफ विच आर अटैच्ड विद द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर दिस पुली। ये तो दो सिंपल केस था, आगे चल के यहां पर एक और पुली लगा देंगे और उसमें अलग अलग, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इक्वेशंस निकाल करके जिस तरह से आप पहले मैथमेटिक्स में इक्वेशंस सोल्व करते थे वैसे हम इनको सोल्व कर लेंगे। ये तो एक्सेलरेशन हो रहा है, दिस इक्वेशन गिव्स, या इक्वेशन नंबर थ्री है ये, इक्वेशन थ्री गिव्स एक्सेलरेशन produced in a body which are attached with another body by the inextensible string passes over the pulley which is frictionless। तो बेटे इस तरीके से करेंगे। अच्छा एक ये तो इससे तो हमें acceleration पता चला, यहां से acceleration निकाल के मान लो आप ये tension निकालना चाहते हैं तो जैसे equation solve करते थे ए की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, टी की वैल्यू आ जाएगी किसी दूसरी क्वेश्चन में। तो इस तरह से डिफरेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आप करेंगे तो बहुत अच्छी इसी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी एक और एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हो गई। थोड़ा अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़ लें, देख लें, बहुत आसान है, लेकिन कहते ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आईआईटी और नीट के एग्जाम्स के अंदर इस पर जरूर आप कोई क्वेश्चन आता है। अगर आज आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिजिक्स के मामले में जरूर बढ़ेगा। एक और एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, वो है अप्रियंट वेट। जैसे जब कई बॉडी अगर हम किसी लिफ्ट में जा रहे हैं तो हमारा एक्चुअल वेट और हमारा अप्रियंट वेट क्या होता है, कितना होता है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी क्या करने जा रहे हैं अब हम, ये भी हमारी लॉज ऑफ मोशन की एप्लीकेशन ही है, अप्रियंट वेट। अप्रियंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। लिफ्ट में आप लोग गए होंगे कई बार, तो अप्रियंट वेट क्या होता है इसके बारे में इसका कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। सपोज कीजिए ये लिफ्ट है,
ये लिफ्ट का बेस है। वेट ऑफ ए पर्सन किससे हम मेजर करते हैं? वी मेजर द वेट आइदर बाय वेइंग मशीन और बाय द स्प्रिंग बैलेंस। इस तरह से वेट किसी बॉडी का हम अप्लाई मेजर करते हैं। और ये सपोज कीजिए ये जो है ये हमारी वेइंग मशीन है और ये एलिवेटर है, लिफ्ट है। जब कोई व्यक्ति इस लिफ्ट के ऊपर होता है तो ये देखिए ये व्यक्ति जो है अपने वजन के मुताबिक जो वेट है वो इस मशीन के ऊपर लगाता है। और ये जो वो तो एक्शन हो गया बेटे, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेशन कर रहे हैं ना। और ये जो मशीन जो है ये इस व्यक्ति पर जो फोर्स लगा रही है वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाती है, वो आर है। एक्शन तो इस व्यक्ति का वजन हो गया नीचे की तरफ और वो हम मान लेते हैं एम जी है। एम जी क्या है? ट्रू वेट ऑफ दिस पर्सन, जो देख रहे हो ना यहाँ खड़ा हुआ है इसका वजन है जो मशीन मेजर करेगी। और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है जो मशीन इस पर लगा रही है वो आर है। और ये जो आर है ना ये अप्रियंट वेट होता है। एक्चुअल मशीन जो पढ़ती है वेइंग मशीन वो ये नॉर्मल रिएक्शन पढ़ती है जो मशीन ने इस पर फोर्स लगाया है। और यही होता है अप्रियंट वेट। फिर सुन लीजिए हम क्या देखने जा रहे हैं। लेट ये पॉइंट्स जो है हमें लिखना बहुत जरूरी। हम लिख रहे हैं एम जी इज द ट्रू वेट ऑफ पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ऑन इन ए लिफ्ट। आर क्या है? आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल इस कॉन्सेप्ट को समझना फिर आप अपने क्वेश्चंस भी आसानी से कर दोगे, सारे न्यूमेरिकल्स कर दोगे। पता न्यूमेरिकल्स बाद में आते हैं, पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर उस पर नंबर दिया होता है वो अप्लाई कर दोगे तो न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। घबराना तो है ही नहीं। और हमारा उद्देश्य भी आपको ये कहना नहीं है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल चीज़, मुश्किल कुछ नहीं होता। फिजिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। कुछ लाज हैं, कुछ नियम हैं, सिर्फ उनको फॉलो करना होता है, उनको याद करना होता है, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो चलिए देखते हैं आर। अब बात ये होती है तीन यहाँ स्पेशल केसेस बन सकते हैं। लिफ्ट भाई रुकी हुई हो सकती है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो सकती है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है, तो क्या होता है? तो चलिए पहला ही केस कर लेते हैं हम। व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, और ये व्यक्ति यहाँ पर इस वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है, लिफ्ट रेस्ट में है। पहला केस, व्हेन लिफ्ट और एलिवेटर इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है बेटे। जब लिफ्ट रेस्ट में है तो इस व्यक्ति ने जो इस पर वजन लगाया है एक्शन ये हो गया एमजी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। या तो ये रेस्ट में है, या फिर एक और बात मैं कह सकता हूं कि ये लिफ्ट जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव भी कर रही है तब भी एक ही बात है। और लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही बात है बेटे दोनों। यानी कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करेगी तब भी उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होगा बेटे? जीरो होगा। चाहे बॉडी लिफ्ट रेस्ट में है, चाहे लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। उस केस में जो एक्शन है इस व्यक्ति ने इस मशीन पर जो नीचे की तरफ लगाया है वो और जो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों बराबर होते हैं। यानी आप कह सकते हैं आर किसके बराबर होगा इस केस में? आर इजकल टू एम जी। और एम जी क्या है? एम जी इज द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम अप्रियंट वेट भी कहते हैं। तो ये है ना अप्रियंट वेट। तो अप्रियंट वेट किसके बराबर हो गया? ट्रू वेट के बराबर। यानी कि इफ द लिफ्ट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन अपरेंट वेट वेट इज इक्वल टू, आप तो ये मान लो ये जो आर है ना यही है अपरेंट वेट, अपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट, ये इस केस में होता है पहला केस। अब हम दूसरा केस कर लेते हैं, अब की बार मान लो सेकंड केस जो हम यहां करने जा रहे हैं उसमें देखिए बेटे, इस बार जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो ऊपर की तरफ जा रही है तब क्या होता है, मैं दूसरा केस यही है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। अब बताइए आर हमें निकालना है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब क्या है कि नेट वेट कितना हो गया यहां पर, अब बताइए आर माइनस एम जी, नेट वेट इतना ही हो गया, कितना हो गया नेट वेट ऑन दिस मशीन, ये जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा आर माइनस एम जी, इतना नेट वेट क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आर हो गया ज़्यादा है, एम जी कम है, लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो नेट वेट कितना हुआ, नेट फोर्स एक्ट ऑन दिस मशीन समझ लीजिए वो कितना हो गया इतना, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब आप मुझे बताइए कि एफ बराबर एम में होता है ना, फोर्स तो हमारे पास ये है ही आर इजिकल टू एम जी, और ये किसके बराबर है बेटे एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम में हमें क्या निकालना है अपरेंट वेट जो किसके बराबर है आर के बराबर, तो आर हमें निकाल देना है, तो चलिए देख लेते हैं आर इज इक्वल टू एम जी को आप राइट साइड में लेके जाइए, एम इधर हो जाएगा अंदर रह जाएगा ये देखिए एम इंटू जी प्लस ए, ये देखिए बेटे आर क्या है अपरेंट वेट, वैसे नॉर्मल रिएक्शन है यही तो अपरेंट वेट है। अब बताइए जो ट्रू वेट था उसमें कुछ और ऐड हो गया है एम जी प्लस एम ए, तो जो अपरेंट वेट होगा दैट विल बी मोर देन द ट्रू वेट इफ द लिफ्ट और दिस एलिवेटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप क्या कहेंगे अपरेंट वेट, यही तो है अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन द ट्रू वेट, ये कब होता है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे दे। जब भी आपको अपरेंट वेट निकालना हो तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, जो आ रहे ना यही है अपरेंट वेट। अब चलिए एक और केस कर लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है, अब जब हम नीचे की तरफ आ रहे होते हैं ए एक्सेलरेशन की सहायता से लिफ्ट, तब ये मशीन कितनी रीड करेगी जो नॉर्मल रिएक्शन है, मशीन क्या पढ़ती है जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो इस केस में जब रेस्ट में थी तो बराबर जितना ट्रू वेट है उतना ही पढ़ती है, सेम होता है, लेकिन लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जा रही है तो मशीन जितना उसका वेट होता है उससे ज़्यादा पड़ती है, वो इस फार्मूले से पता चल रहा है। अब जो मैं तीसरा केस करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि उस केस में क्या होगा जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, विद यू एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए।
अब बताइए, अब क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है तो कौन ज़्यादा हो गया, एम जी, ऐसे याद रख लीजिएगा। और तो नेट वेट कितना हो गया बेटे, अब इस पर आर नॉर्मली एक्शन है ही, तो नेट जो फोर्स इस पर अब एक्ट कर रहा है वो है एम जी माइनस आर, ये हो गया, इतना ही है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो नेट फोर्स है दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये देखिए ऐसे लिखेंगे ना। तो यहां से अब फिर आप R ले लीजिए, R को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो एम जी माइनस एम ए इट इज इक्वल टू R, या फिर हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, ये देखिए दिस इक्वेशन गिव्स दी R, क्या है R ही तो है हमारा अप्रियंट वेट, तो अप्रियंट वेट है और ये देखिए एम जी में से कुछ घट रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब जो अपरियंट वेट है दैट इज लेसर देन द ट्रू वेट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है तो ये जो मशीन है ये एक्चुअल वेट से कम वेट जो है आपको मेजर करती है, दिखाती है, यानी कि जो ट्रू वेट है, अपरियंट वेट की मैं बात कर रहा हूं, अपरियंट वेट इज लेसर देन ट्रू वेट। तीनों केसेस हमने लोगों ने यहां पर पढ़ लिए हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे यहां हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए कि अगर आप लिफ्ट में, कोई लिफ्ट में जा रहा है और जो स्ट्रिंग है जिससे वो लिफ्ट जुड़ी हुई है वो टूट जाए तो लिफ्ट फिर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है, जिसे कहते हैं फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट। फॉर फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, इस केस में देखिए व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ द लिफ्ट गेट ब्रेक्स द लिफ्ट मूव्स फ्रीली, उस केस में जी किसके बराबर होता है, इस केस में जी इज इक्वल टू ए, मतलब वो बहुत तेजी से फ्रीली, इस व्यक्ति का इस मशीन से कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा, बहुत तेजी से आएगा, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा नहीं पाएगी, तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन इस इक्वेशन के मुताबिक क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू जीरो, देख लीजिए जी को ए के बराबर, क्योंकि फ्रीली आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से आ रही है, तो जी बराबर है और नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई, जीरो। तो अप्रियंट वेट कितना हो गया, अप्रियंट वेट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यह मशीन इस व्यक्ति का वजन जीरो दिखाएगी, कब, जब लिफ्ट फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही हो तब, ये देख सकते। और इस केस में व्यक्ति जो है वो भारहीन महसूस करता है, इसे कहते हैं वेटलेसनेस ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड वेटलेस या वेटलेसनेस, भारहीनता जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये जो कंसेप्ट हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की स्टेटमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको जो अप्लाई करना हमें आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ें, ये केसेस, बेसिक्स जो हैं ये बेटे बहुत ध्यान से आपको आना चाहिए, आप देख रहे हैं पसीने आ रहे हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक मेहनत जो है हमें करनी होती है। अगर आप सफलता की सर्वोच्च सीढ़ी पर पहुँचना चाहते हैं, पूरा मान सम्मान इज्जत समाज में लेना चाहते हैं, तो बेटे मेहनत करनी होगी, कॉन्स्टेंट मेहनत और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ाना होगा, और इस तरह से जो हम लोग आपको बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, देखिए। और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है या समझ में आती है तो आपका हमारे बीच में डायरेक्ट इंटर एक्शन होना चाहिए, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर अभी अभी जुड़े हैं तो बेल आइकॉन दबा करके और सब्सक्राइब इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, और नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी आप ज़रूर शेयर करें इस वीडियो।